myself, Dr. Sanskriti, physiotherapist. Today in this video, we'll talk about paralysis. Paralysis actually में क्या problem है, किस वजह से होती है, कौन कौन से इसके signs and symptoms हैं and ultimately क्या इसका treatment है, ये आज हम अपनी video में जानेंगे. Now we talk about what is paralysis. Paralysis में होता क्या है? हमारा मसल या तो partially loss हो जाता है उसका function या फिर fully loss हो जाता है. मतलब जब हमारी muscles पूरी weakness में चली जाती हैं. एक तो होता है कि आपकी मसल मूवमेंट थोड़ी बहुत है, आप कुछ रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर पा रहे हो, और एक होता है आप बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो. तो यही होता है पैरालिसिस पे, और एट टाइम्स इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है. तो पैरालिसिस का मेन रीज़न है स्ट्रोक. स्ट्रोक की वजह से आपकी मसल्स, आपका ब्रेन स्टक हो जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी स्टक हो जाती है. जो ब्रेन अपना नॉर्मल फंक्शन करता है, मतलब कमांड्स देता है, रिफ्लेक्सेस भेजता है, वो नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ब्रेन अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है. और किस वजह से नहीं कर पा रहा, उसके दो मेन रीज़न है, एक है इस्कमिक स्ट्रोक और एक है हेमरेजिक स्ट्रोक. अब अगर हम बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक में, तो हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं लीक हो जाती हैं और उसमें से ब्लड बहता है, अनयूजुअल ब्लड बहता रहता है और हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है. अगर हमारे ब्रेन में ब्लड बह रहा है, मतलब आपकी ब्लड वैसे लीकेज है, दैट कम्स अंडर हेमरेजिक कंडीशन. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट इस्कमिक स्ट्रोक, तो इस्कमिक स्ट्रोक में क्या होता है, आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है. अब आप खुद समझो, आपके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, क्लॉट हुआ है, जिसकी वजह से आपका ब्लड आगे मूव नहीं कर पा रहा है, आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है. तो हमारे जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं, हमारे ब्रेन के जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं, लोब्स हैं, वहाँ तक हमारा ब्लड पहुँच ही नहीं पा रहा है. मतलब डिफरेंट लोब्स में हमारा ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तो दैट कम्स अंडर इस्कमिक स्ट्रोक. अब आपने खुद समझा होगा कि पैरालिसिस एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ की है, हमारे ब्रेन की. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उन्हें ये लगता है कि उनके हाथ पैरों की समस्या है. एक्चुअली में प्रॉब्लम हाथ पैरों की भी है, लेकिन वो है क्यों? क्योंकि उसका रीज़न जो है वो हमारा ब्रेन है. हमारे ब्रेन की कोऑर्डिनेशन सेट नहीं है, हमारे ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर ऑन नहीं है, हमारी फंक्शनिंग ब्रेन की तरफ से नहीं हो पा रही है, रिफ्लेक्सेस ब्रेन की तरफ से नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल मूवमेंट नहीं हो रही है और वहाँ का या तो कंप्लीट या फिर पार्शियल लॉस ऑफ मूवमेंट है. तो ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? हमारे ब्रेन से. तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले क्या जानना ज़रूरी है कि आपको ट्रीटमेंट अपने हाथ पैरों का नहीं चाहिए, आपको ट्रीटमेंट अपने ब्रेन का चाहिए. क्योंकि प्रॉब्लम ब्रेन से स्टार्ट हुई है, हाथ पैरों से स्टार्ट नहीं हुई है. हाथ पैरों की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज़ सेकेंडरी थिंग. मतलब आपकी एक सुपीरियर है, अगर सुपीरियर एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही है, तो इन्फीरियर एक्टिविटीज़ कैसे हो पाएंगी? तो सेम विद आर पैरालिसिस कंडीशन. जब आपका ब्रेन कमांड ही नहीं दे पा रहा है, आपके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि आप मूव कर पाओ, मतलब अपनी आर्म को मूव कर पाओ, तो एक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे? तो यही प्रॉब्लम होती है जो पैरालिसिस के पेशेंट्स डील करते हैं. अगर हम दूसरे कंसर्न की बात करें, तो होता क्या है, जनरली जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है या उनका जनरली ये क्वेश्चन होता है कि मैम, हमें स्ट्रोक तो हमारे राइट साइड में आया है, तो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी फंक्शन क्यों नहीं कर पा रही? मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ब्रेन में क्लॉटिंग आपके राइट साइड में हुई है, तो प्रॉब्लम भी राइट साइड में ही होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर आपके राइट साइड में क्लॉटिंग हुई है, तो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड होगी. एंड अगर आपके लेफ्ट साइड में स्ट्रोक का अटैक है, क्लॉटिंग हुई है, तो आपकी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड होगी. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अपनी वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि जनरली पेशेंट्स को नहीं पता होता कि एक्चुअली में ये जो क्लॉटिंग है, इसका फिनोमिनन है क्या, क्लॉटिंग की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस कौन से साइड दिखता है. तो अगर लेफ्ट है, तो राइट में प्रॉब्लम है, और अगर राइट है, तो लेफ्ट में प्रॉब्लम है. तो ये चीज़ आपको जाननी है. तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि आप अपने डॉक्टर से आगे दोबारा ना पूछें. अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, अब आपने जान लिया प्रॉब्लम कहाँ से थी, ब्रेन से थी. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्रेन को एक्टिव करना है. जो मसल अनकंट्रोल्ड है, जो मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री हो रही हैं, वो आपको रोकनी है. अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा पैरालिसिस के पेशेंट्स में शेकिंग होती रहती है, आपकी बॉडी की शेकिंग होती रहती है, या फिर अगर आपका हाथ एक झनझनाहट रहती है, एक कपकपाहट रहती है, और हाथ लाइक सपोज आप हमेशा ऐसे हाथ हिलता रहता है, तो सबसे पहले जो हमें करना है वो ये करना है कि आपको अपनी ब्रेन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है. अपनी ब्रेन से जो भी हम स्टिमुलस होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है. और उसके लिए क्या ज़रूरी है, अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने ब्रेन का ट्रीटमेंट लेना.
जब आप ब्रेन को क्योर कर लोगे, जब आप ब्रेन को ट्रीट कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी मूवमेंट्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी. तो ध्यान हमें सबसे पहले अपने दिमाग पे देना है. एंड सेकेंड थिंग, वॉकिंग. ऐसा होता है जनरली जब पैरालिसिस के पेशेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो बेड रिडन हो जाते हैं या फिर उनका बहुत मिनिमल मूवमेंट होती है. तो आपको अपनी मूवमेंट्स नहीं रोकनी है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि आप मूवमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको फिर भी ट्राई करना है. आप अपने अटेंडेंट्स रख लीजिए, केयर टेकर रख लीजिए, या फिर आपके फैमिली रिलेटिव्स भी आपको मूवमेंट्स करा सकती है, एक्सरसाइजेस करा सकती हैं. लेकिन ज़रूरी है क्या एक्सरसाइजेस एज वेल एज मेडिकेशंस? अगर मेडिकेशन एक्सरसाइजेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप फॉलो करोगे, तो यू वुड हैव योर बेस्ट रिजल्ट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस. तो आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ मेडिकेशंस ही नहीं, मेडिकेशंस के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी आपको रूटीनली टाइम टू टाइम परफॉर्म करनी है और चलना है. अगर हम ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस की बात करें, तो मेडिकेशंस में गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं. बहुत सारे पेशेंट्स मेडिकेशन से क्योर भी हुए हैं, और हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो आप दवाइयाँ खा रहे हो ये क्यों खा रहे हो, और इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होगा फॉर श्योर. क्योंकि ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट छोड़ देते हैं. मतलब बाद में जब हम मेडिकेशंस को छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बॉडी सफ़र करती है. तो अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगे तो फॉर श्योर आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हो जब तक आप अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो जाते और आपका ब्रेन प्रॉपरली एक्टिव नहीं हो पाता अपनी मूवमेंट्स करने के लिए. अब अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, यू विल टेक योर मेडिकेशंस ऑन द सेम टाइम जब आपको आपके डॉक्टर ने बोला आप मेडिकेशंस लो. लेकिन इफ़ यू गो फॉर एक्सरसाइजेस, तो आपको एक्सरसाइजेस भी एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार तो करनी ही करनी है. एंड वॉक, तो जितना आप कर सकते हो उतनी वॉक करनी है, लेकिन हमेशा सारे एक्टिविटीज़ आपको सपोर्टेड रखनी है. मतलब इंडिपेंडेंटली भी चीज़ें करनी है, लेकिन इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो मूवमेंट सपोर्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है पेशेंट में खुद से इतनी ताकत नहीं होती है कि वो खुद से मूवमेंट परफॉर्म कर पाए. तो आपको हमेशा सपोर्टेड मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है, मेडिकेशंस टाइम से लेनी है. एंड एट लास्ट इफ वी टॉक अबाउट डाइट, तो हमेशा आपको हेल्दी खाना खाना है. जनरली होता क्या है, हम पेशेंट्स को सूप पे रखते हैं, लिक्विड्स पे रखते हैं, लेकिन लिक्विड्स और सूप हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी, उतने न्यूट्रिएंट्स, उतना प्रोटीन नहीं दे पाते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है थोड़ा थोड़ा सॉलिड खाने की, मतलब जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, विटामिन ज़्यादा हो, वो चीज़ें आपको लेनी है अपने खाने में, इंक्लूड करनी है वो अपने खाने में, और डाइट प्रॉपर लेनी है. जूसेस के अलावा आपको फ्रूट्स खाने हैं. अगर आप फ्रूट्स प्रेफर करोगे तो दैट इज़ वेरी गुड. जितना आप फ्रूट खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है. तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप ट्रीटमेंट कहीं और से ले रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयास. हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट मेडिकेशंस देंगे, बेस्ट डाइट बताएंगे, एंड बेस्ट एक्सरसाइजेस बताएंगे. आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा. अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या फिर आपको नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप किसी और प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयास. हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन देंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग. थैंक यू सो मच.